गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन अटेंडिंग दिस क्लास. सभी लोगों को गुड मॉर्निंग. तो ये यूपीएससी वन में मेरी क्लास हो रही है. जैसा कि मेरे को बताया गया था, यूपीएससी टू इंग्लिश बैच में जो हम लोग चल रहे थे उसमें अभी मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, यूपीएससी वन में ले रहा हूँ. और मेरी प्रबंधन से बात हुई थी, जैसे कि हिंदी इंग्लिश मीडियम को लेकर जो बात थी. तो ये जो मैं बैच ले रहा हूँ अभी ये हिंदी मीडियम में ही होगा. और दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, दे मे वेट फॉर प्योरली इंग्लिश मीडियम बैच विच दे आर प्लानिंग. बट दिस बैच इज गोइंग टू बी प्योरली हिंदी मीडियम बैच. दो आई विल बी यूजिंग समटाइम्स द इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ऑफ हिंदी वर्ड्स. वो तो होता ही होता है कि हिंदी मीडियम की क्लास में भी आपको इंग्लिश के वर्ड्स टेक्निकली तो लिखने पड़ेंगे, तो उतना तो रहेगा. लेकिन ये होगा हिंदी में, डिक्टेशन या अन्य चीज़ें भी हिंदी मीडियम में ही होगी. आप ये ध्यान रखिए, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए वो अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ है, तो थोड़ा सा वेट उन लोगों को करना पड़ेगा. तो वो उनको प्योर इंग्लिश मीडियम जो ये महीना इसके लास्ट में उन लोगों के लिए ये क्लास प्योर इंग्लिश मीडियम की होगी, जिसके अंदर मेरी क्लास चलेगी. तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो चाहें तो इस क्लास को अटेंड ना भी करें, जो अभी मैं ले रहा हूँ, आगे उनको क्लास मिल जाएगी, मेरी ही क्लास मिल जाएगी अलग से, जब मैं उस बैच में जाऊँगा तब. और अन्यथा मतलब अब इसमें तो मैं हिंदी मीडियम समझ के ही क्लास को करूँगा. तो ये बात तो यहीं समाप्त हो जाती है हिंदी इंग्लिश मीडियम को लेकर. और आज तो मैं आपको देखकर गुड मॉर्निंग ये सब चीज़ें नहीं कर पाया, क्योंकि ऐप में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो चीज़ें आपकी मुझे नज़र नहीं आ रही है, जो आप गुड मॉर्निंग, जय हिंद और इस तरह से जो आप लिखते हैं मुझे भी कुछ पता नहीं लग रहा है. और ऐसे भी मैं कमेंट्स कम ही देखता हूँ या नहीं देखता हूँ, तो उसका कोई इम्पोर्टेंस मेरे लिए नहीं है, हमारी क्लास के लिए नहीं है. लेकिन वो फिर भी चल नहीं रहा अभी आज. और हम लोग मेंस का मुख्य परीक्षा की शुरुआत करेंगे आज से. और आपको काफ़ी कुछ है जिसमें, मतलब जो चीज़ें आपको आपने प्रीलिम्स में पढ़ी थी उनको भी समझने में आपको मदद मिलेगी मेंस की वजह से, और एक पूर्णता की स्थिति प्राप्त होगी अगर आप मेंस के कोर्स को ठीक से कर लेते हैं. आपको एक लगेगा कंप्लीटनेस लगेगी, और नए डायमेंशंस मेंस में भी आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि सिलेबस डिफरेंट है. पीटी का जो सिलेबस है वो और मेंस का सिलेबस है उसमें काफ़ी डिफरेंस है. थोड़ा बहुत ही एक दो टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि गरीबी, बेरोजगारी, जो प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया था. प्रीलिम्स को हमने 6 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें लास्ट का जो भाग था उसका नाम था सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र, पीटी के अंदर जो लास्ट पार्ट था. इसमें मैंने 3 चीज़ें आपको बोली थी कि हम 3 चीज़ें करेंगे. और ये सब कहने के बाद भी आप लोगों के कई कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये तो करवाया नहीं, क्या ये पीटी में नहीं है, इस तरह की बातें उसको मैं देखने को मिल रही थी. तो इतनी असावधानी से आप क्लास नहीं करो. अगर कोई काम करना है तो उसको मनोयोग से, ईमानदारी से करो आप. और चीज़ें जैसे मैंने बताई उसको आपने ठीक से सुना नहीं, तो आपने ये लिखना शुरू किया कि सर उसमें गरीबी कब होगा, बेरोजगारी, ये सब नहीं है क्या पीटी में. मैंने बोला था आपको कि इस सोशल सेक्टर में 3 चीज़ें हैं, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति. तीन चीज़ें हैं. तो मैंने ये कंप्लीट कराया था आपको मुद्रास्फीति पीटी के अंदर, और ये 2 छोड़ दिए थे, गरीबी और बेरोजगारी, क्योंकि मैंने आपको ये निवेदन किया था कि हम मेंस में इसको देखेंगे. तो मेंस में हम इस तरह से पढ़ेंगे कि पीटी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप कर सको और मेंस वाले भी कर सको. तो ये मेंस में भी रहते हैं. और अगर आप पुराने पेपर्स देखते हो
तो गरीबी पर जो क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए हैं वो ज्यादातर जीएस सेकंड में आए हैं मेंस के अंदर। जीएस सेकंड में ज्यादा पूछे गए जो गवर्नेंस पॉलिटी से रिलेटेड पेपर है, इसमें गवर्नेंस आता है मुख्य रूप से, जिसे आपको पता होगा, उसमें ये सवाल गरीबी से रिलेटेड ज्यादा पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स का जो GS 3 पेपर है उसमें ऑलमोस्ट नील प्रश्न आए हैं इसके ऊपर, ज्यादा या बिल्कुल पूछा ही नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है इसे। आपकी सिलेबस का पार्ट है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं अब तक का ट्रेंड बता रहा हूँ आपको। जीएस सेकंड में ये क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि आप जीएस सेकंड में भी कहीं ना कहीं इसका वर्णन है, पॉवर्टी हंगर इस तरह की चीजें हैं जीएस सेकंड में भी। और गवर्नेंस का मतलब सुशासन से है, जो हम कहते हैं कि सरकार सुशासन करे और जनता की आकांक्षाओं और उसकी जो महत्वाकांक्षाएं आकांक्षाएं इच्छाएं हैं जो वाजिब है उनको पूरा करने के लिए राज्य काम करे। जैसे मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस का मतलब क्या होना चाहिए, तो गवर्नेंस का मतलब ये होना चाहिए कि जो हमारी सोसाइटी है, लोग हैं, उनके जितने भी वाजिब प्रकार के लक्ष्य हैं, इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, उनको स्टेट पूरा करे। पॉलिटिकल डायमेंशन और कुछ अलग हो सकता है, मैं इसको इस तरह से समझता हूँ। जैसे कि अब्राहम लिंकन जी ने कहा कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, इस तरह से जो बोला था उन्होंने, तो उनकी तीन बातों में मुझे जनता के लिए शब्द गवर्नेंस में समझ में आता है कि जब सरकार जनता के लिए काम करती हो तो यही गवर्नेंस है। ये कोई अपनी सोच में आपको बता रहा हूँ मैं गवर्नेंस को किस तरह से देखता हूँ, कि जनता के लिए, जनता पर नहीं, शासन जनता के लिए होना चाहिए, जनता पर नहीं, यही सारांश है गवर्नेंस का। तो गवर्नेंस वाले टॉपिक में गरीबी के क्वेश्चंस क्यों पूछे गए यूपीएससी के द्वारा, इसका मैं क्या अंदाज आपके सामने लगा सकता हूँ या अपना क्या व्यू दे सकता हूँ? तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस देश में गरीबी है, जिस देश में भूखमरी है, उस देश में सुशासन कैसे हो सकता है? वो शासन ही क्या हुआ जहाँ पर लोग मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा ना कर सके। गरीबी का जो मैं चैप्टर शुरू करूँगा तो उसमें मैं उसका अर्थ बताऊँगा आपको, कि यदि लोग अपनी मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं तो हम कहेंगे कि वो गरीब हैं। तो मूलभूत जरूरतें भी एक इंसान की पूरी नहीं हो रही है तो हम इसको किस आधार पे सुशासन कहें, ऐसा समझें आप। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जीएस सेकंड में इसको डाला हुआ होगा। ये तो जिन्होंने सिलेबस बनाया वो ही बेहतर बता सकते हैं, और उसकी व्याख्या तो आती नहीं है, लेकिन मैं अपना एक अंदाज लगा रहा हूँ। भूखमरी को जीएस सेकंड में क्यों रखा गया? भूखमरी शब्द हंगर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो उसका कारण यही होगा कि जिस देश में भूखमरी है उस देश में सुशासन कैसे हो सकता है या कैसे माना जा सकता है। खैर, तो मैं आपको ये कह रहा था कि गरीबी के क्वेश्चंस जीएस सेकंड में आपको दिखेंगे, बेरोजगारी के क्वेश्चंस GS 3 में ही आ रहे हैं। ये दो चीजें, मुद्रास्फीति हम प्रीलिम्स में कर चुके हैं, मेंस में इस पर सवाल अभी तक तो आया नहीं है, और बाकी हम कह नहीं सकते। कभी कभी करंट अफेयर्स वगैरह को ध्यान में रखकर लिंक बना के पूछ ले तो बात अलग है, तो वो चीजें हमने पढ़ रखी है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो उसे, तो इस तरह से है। तो दोस्तों क्या है कि अब हम मेंस के अंदर जब प्रवेश करेंगे तो यहां से प्रवेश कर लेंगे, उसके बाद मैं ये ले लूंगा, और फिर जो आपके टॉपिक्स आएंगे वो हम देखते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये मैंने बता दिया कि आपका प्रीलिम्स में ये जो छूट गया था ये मेंस में कवर होगा। अब हम सिलेबस देख लेते हैं एक बार कि जो GS 3 है मेंस यूपीएससी का जो सिलेबस है वो किस तरह का है। तो आप अपने नोटबुक में ये हेडिंग लगा दें, GS 3। GS 3 को पेपर 4 कहते हैं, ये तो आपको पता होगा क्योंकि निबंध को एक पेपर माना जाता है, और GS 1 जो है वो पेपर 2 माना जाता है, ऐसे करके फर्स्ट GS 2 पेपर 3 माना जाता है, GS 3 पेपर 4 माना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो GS 3
इकोनॉमिक्स सिलेबस ये हमारा एक हेडिंग जैसा हो गया। जीएसटी इकोनॉमिक्स सिलेबस राइट, तो इसको तीन भागों में आप डिवाइड करें। पूरे सिलेबस को अगर हम देखें तो तीन भागों में आपको इसे बांटना पड़ेगा। इसे तीन भागों में आप डिवाइड करिए इसे, और मैं फर्स्ट भाग पे बात करूंगा। अब तीन भाग ऐसे बनाइए और ये फर्स्ट में क्या है, मतलब मैं विषय जितने भी टॉपिक्स हैं जीएसटी में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो टॉपिक्स की नेचर को देखकर कि उनका स्वभाव कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है, ये देखकर मैंने उसको तीन भागों में तोड़ा है, डिवाइड किया है। आप अगर सिलेबस देखोगे तो आपको उस तरह का विभाजन नहीं दिखेगा, टॉपिक्स दिखेंगे। मैंने टॉपिक्स को ग्रुपिंग करी है, अलग अलग समूह बनाए हैं। तो एक में तो मैं डाल रहा हूँ कृषि और संबद्ध विषय, कृषि और संबद्ध विषय। संबद्ध का मतलब क्या है, जुड़े हुए, मतलब कृषि और उससे जुड़े हुए विषय एक श्रेणी बनेगी उसकी। कुछ एडवांस प्रकार के टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, उनका नाम मैं लिखूंगा बकायदा, जिनमें थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ की आवश्यकता है, ज्यादा एकाग्रता की आवश्यकता है, थोड़ा ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। ऐसे टॉपिक्स को हम उच्चतर विषय कह सकते हैं, यानी कि एडवांस विषय कह सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं उच्चतर विषय, एडवांस टॉपिक्स, उच्चतर। लैंग्वेज भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप हिंदी मीडियम के हो तो कुछ भी, मतलब धीरे धीरे आपको महसूस होगा क्योंकि अभी आप बहुत शैशव अवस्था में हो। शैशव का मतलब जानते हो, छोटा शिशु जो होता है उस अवस्था में हो, तो धीरे धीरे आपको बातें समझ में आएगी। अचानक से मैं भी उम्मीद नहीं करता कि आप तुरंत मुझे समझ लोगे या चीज़ों को समझ लोगे, धीरे धीरे समझ जाओगे। लेकिन तो आप ऐसा मत समझो कि हिंदी है तो बहुत आसानी है हमारे लिए, बल्कि इंग्लिश ज़्यादा आसान है देखा जाए तो हिंदी की तुलना में। तो जो हिंदी अगर आपका माध्यम है तो आप ये मत सोचो कि मैं कुछ भी लिख लूँगा, आपके शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है, शब्द कैसे चुन के आप लिख रहे हो। तो उसका अभ्यास भी आप शुरू कर दो अभी से, अच्छी चीज़ें पढ़ना शुरू करो ताकि वो वर्ड्स आपको टकराएं और आप उसको लेखन में लेके आओ, क्योंकि इम्प्रेशन से ही तो नंबर उठेंगे आपके। इंग्लिश में कहावत है, पर्सनैलिटी इज नॉट व्हाट अ मैन इज, व्यक्तित्व वह नहीं है जो कि एक व्यक्ति होता है। पर्सनैलिटी इज नॉट व्हाट अ मैन इज, पर्सनैलिटी इज व्हाट अ मैन अपीयर्स टू बी, व्यक्तित्व वह है जो कि एक व्यक्ति दिखता है। अगर मान लीजिए आप की नेचर गलत है, आप में दुर्गुण है, लेकिन लोग आपको समझ रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी वो है जो लोग आपको देख रहे हैं। इसीलिए व्यक्तित्व को मास्क कहा गया है, व्यक्तित्व मास्क जैसा है, व्यक्तित्व कुछ नहीं है, आप नहीं हो, आपका प्रस्तुतिकरण है। अगर आपने अपने आप को बहुत अच्छे से पेश किया तो आप अच्छे हो। तो अब ये अच्छे से पेश करने का मतलब क्या है, ये हर स्तर पे करना पड़ेगा आपको, हर स्तर पे करना पड़ेगा। आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपके बोलने का तरीका कैसा है, आप कैसे बिहेव करते हो, प्लस कैसा लिखते हो, राइटिंग कैसी है, शब्द कैसे हैं,
ये सब चीजें मायने रखती है। पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, अल्प विराम कहाँ लगाना है, कोमा कहाँ लगाना है, कहाँ विसर्ग लगेगा, ये सारी चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक चीज से हो जाएगा, समग्रता का खेल है ये। इट इज समथिंग लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स आई कैन से। जैसे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, समष्टिगत अर्थशास्त्र पढ़ा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि इकोनॉमिक्स जो है एक देश का आगे निकल जाएगा। आप खेती को पीछे छोड़ दो तो क्या उद्योग आगे निकल पाएंगे, क्या सर्विसेज आगे निकल पाएंगे? ऐसे एक देश के अंदर अगर आप खेती को बढ़ा रहे हो लेकिन उद्योग छोड़ रहे हो, सर्विसेज छोड़ रहे हो, देश का विकास नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो आपको भी अपने व्यक्तित्व को एक इकोनॉमी समझ के उसके समग्र विकास पे ध्यान देने पर जोर देना होगा, हर चीज में सुधार करना होगा। और मैं आपको पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि स्वतंत्रता उस दिन ही समाप्त होगी जब आपने वर्ण किया यूपीएससी के इस मान लक्ष्य का, कृषि और संबद्ध विषय उच्चतर विषय, जो यहाँ पे ज्यादा आपको जोर लगाना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो तो मैं अभी लिखूंगा आपके सामने। और तीसरा है सामाजिक अर्थशास्त्र वाले विषय, सामाजिक या आर्थिक, ऐसे लिखिए, सामाजिक आर्थिक विषय, सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक्स हैं। इसमें वे विषय आएंगे जो समाज और इकोनॉमिक्स से लिंक बनाते हैं, वो विषय आएंगे। जैसे कि मैं कहूँ गरीबी, तो गरीबी इकोनॉमिक्स का विषय तो है ही, साथ में सामाजिक भी हो जाती है गरीबी। गरीबी सामाजिक कैसे हो जाती है? क्योंकि उसमें वर्गीकरण जैसा हो जाता है, क्लासिफिकेशन जैसा हो जाता है। समाज के अंदर क्लासिफिकेशन के कई तरीके हैं, रंग भी क्लासिफिकेशन का आधार बन जाता है, लिंग बन जाता है, धर्म बन जाता है, जातियां बन जाती है, राइट? इसी तरह से धन को लेकर भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। जैसे कि आप कहते हो ये मिलियनेयर है, ये बिलियनेयर है, ये बीपीएल है। बीपीएल का मतलब क्या होता है? बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा के नीचे। तो हम क्लासिफिकेशन हो गया ना कि ये तो बीपीएल है, ये तो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं, हम अमीर हैं, ये वर्गीकरण आ जाता है। इसीलिए ये सामाजिक जैसा भी हो जाता है। दूसरी बात, भारत जैसे राष्ट्रों में तो समाज भी गरीबी का कारण बन जाता है कई बार, जैसा कि आगे बताऊंगा मैं आपको, कि भारत का जो पारंपरिक समाज रहा है उसमें किस तरह की चीजें रही। जातियों के आधार पे लोग, मतलब अगर एक व्यक्ति स्वीपर क्लास में काम कर रहा है गांव के अंदर, तो वो रेस्टोरेंट नहीं खोल पाएगा, उसको स्वीपिंग ही करनी पड़ेगी। और रेस्टोरेंट अगर वो खोलेगा तो वो अपना बेच नहीं पाएगा, खाद्य वस्तुएं बेच नहीं पाएगा, चाय बेच नहीं पाएगा, क्योंकि लोग उसके रेस्टोरेंट पे नहीं जाएंगे। तो उसको कुछ दिनों बाद रेस्टोरेंट बंद करके स्वीपिंग ही करनी पड़ेगी। और आप खुद कंपेयर कर लो, तुलना कर लो कि स्वीपिंग में जितना पैसा मिलता है और रेस्टोरेंट में जितना पैसा मिलता है, उसमें क्या फर्क है? स्वीपिंग में आपका सम्मान, डिग्निटी क्या रहती है और रेस्टोरेंट में क्या डिग्निटी रहती है, इसका फर्क आप जानते हो अच्छी तरह से। तो मैं इनके विषय भी लिखूं, सबके विषय लिखूंगा, सामाजिक आर्थिक विषय। ये उतने जटिल नहीं होते हैं, थोड़े आसान विषय होते हैं, इनको मैंने लास्ट में रख दिया। और जो टफ होते हैं, थोड़ा इकोनॉमिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, अच्छी समझ की आवश्यकता पड़ेगी, उनको हम कहते हैं उच्चतर विषय करके मैंने लिखा है। और कृषि और संबद्ध विषय हम सबसे पहले लेंगे। हमारी क्लास का नियोजन भी लगभग, क्लास को भी मैं ऐसे ही चलाऊंगा आपको, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें क्लास का संचालन यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने गरीबी बेरोजगारी छोड़ा हुआ है और गरीबी को मैं इसमें लूंगा। तो इस तरह से मेरे को थोड़ा दो टॉपिक में यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो देख लेंगे हम लोग। बाकी मैं विषय लिखता हूँ आपके सामने, और आप भी लिखें, लिखने के अभ्यास को छोड़े नहीं, एंगेज रहे। अपने दिमाग को एंगेज रखने का तरीका क्या है कि आप लिखो, समझो, लिखो, समझो, ऐसे करोगे तो क्लास में आपकी एकाग्रता बनी रहेगी, ध्यान बना रहेगा। कृषि और संबद्ध विषय जैसे हम इसमें लिखें, तो एक विषय है भूमि सुधार, और
और इंग्लिश भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं पढ़ाऊंगा जब लिखाऊंगा, अगर आपने इंग्लिश वर्ड नहीं लिखी तो फिर बेकार हो जाएगा वो। लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं, अभी ना लिखें, मैं आगे बताऊंगा आपको, भूमि सुधार। तो एक विषय ये हुआ, मोटे रूप में लिख रहा हूं, एक आधा विषय ऊपर नीचे हो सकता है, जो भी आपका सिलेबस है, भूलवश मतलब एक दो टॉपिक मिस भी हो सकते हैं, मैं मोटे रूप में लिख रहा हूं, वैसे कोई चांस नहीं है। भूमि सुधार, भूमि सुधार के अलावा और कौन कौन से टॉपिक, खेती से जुड़ जाता है भूमि सुधार, दूसरा लिखें आप कृषि सब्सिडियां, जैसे हम फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं, उर्वरक पे सब्सिडी देते हैं, पावर यानी बिजली पे सब्सिडी देते हैं, सब्सिडियों का टॉपिक भूमि सुधार, कृषि सब्सिडियां। फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य, नाम सुना होगा आपने एमएसपी का, नाम सुना होगा, जो भारत सरकार अनाउंस करती है किसानों के लिए, एक कीमत होती है कि अगर किसान चाहे तो अपने माल को उस कीमत पर सरकार को बेच सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कोई जबरदस्ती नहीं होती है, किसान चाहे तो बेच सकते हैं, और अगर खुले बाजार में ज्यादा रेट है उस चीज का तो खुले बाजार में बेच दीजिए, वरना सरकार को बेच दीजिए। इससे क्या होता है कि किसानों को कम कीमत मिलने की, बहुत ज्यादा कम कीमत मिलने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो मैं बताऊंगा ये सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन आगे, अभी तो मैं लिख लेता हूँ, फिर देखूंगा कि इनमें डिटेल बतानी है तो मैं बात करूंगा अभी। न्यूनतम समर्थन मूल्य, अच्छा, कृषि विपणन प्रणाली, कृषि सब्सिडियां, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि विपणन प्रणाली। विपणन का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग होता है। तो किसान अपनी वस्तुओं की मार्केटिंग किस व्यवस्था में करते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे 2020 का मेंस पेपर देखते हो आप, तो 2020 में एक सवाल पूछा गया था कि भारत में किसानों को अपनी वस्तुएं बेचने में या उनकी मार्केटिंग करने में या उनका विपणन करने में कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो मार्केटिंग का मतलब है कि अपने सामानों को बेचना, मार्केटाइज करना, विपणन करना। लेकिन इसके आगे विशेषण क्या लगा हुआ, कृषि। हर तरह का मार्केटिंग सिस्टम नहीं है, एग्रीकल्चर में कौन सा मार्केटिंग सिस्टम हमारे यहाँ काम कर रहा है तो उसको पढ़ना हमें इसके तहत, कृषि विपणन प्रणाली। तो भूमि सुधार, कृषि सब्सिडियां, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि विपणन प्रणाली, पशुपालन, तो कृषि से जुड़ जाता है पशुपालन, तो पशुपालन भी पढ़ेंगे हम लोग इसी टॉपिक के तहत जो हम कह रहे हैं कृषि और संबद्ध विषय। अगला आप लिखेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इंग्लिश में कहते हैं इसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो हम ये कई तरह के खाद्य वस्तुएं देखते हैं, जैसे कि अचार, मुरब्बा, जैम, जूस, आटा, मतलब खाने पीने की जितनी चीजें, खाद्य तेल, बिस्किट, पापड़, तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी इसी में डाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि खेती से जुड़ जाता है ये, कृषि से इसका गहरा संबंध है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का। तो ये एक टॉपिक है, और एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपने नाम सुना होगा, एक पीडीएस का नाम सुना होगा, पीडीएस आप जानते होंगे, राशन की दुकानें आप जानते होंगे,
वो इसमें आप पढ़ते हो और 2022 का मेंस पेपर देखते हो, इतने बढ़िया प्रश्न इससे पूछे, सीधे क्लास नोट से आए हुए, मतलब बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ प्रश्न आए हुए थे 2022 के मेंस में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत, जो मैंने क्लास में काम कराया था, हर साल ही बहुत अच्छे प्रश्न रहते हैं, कोई डाउट नहीं है इस चीज के अंदर। तो इसमें हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि लोगों तक हम खाद्य वस्तुएं जैसे कि अनाज वगैरह लोगों तक कैसे पहुंचे, और ये कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा से जुड़ता है क्योंकि ये प्रणाली खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड है, और जीएस सेकंड के अंदर भी इसका रिलेवेंस बन जाता है एक तरह से, क्योंकि वहाँ पर हंगर नाम का एक टॉपिक दिया हुआ है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हम पूरा सिस्टम समझेंगे, छत्तीसगढ़ ने क्या सुधार किए, तो वो सुधार अन्य राज्यों के लिए किस तरह से प्रेरणा के रूप में काम कर रहे हैं, राजस्थान सरकार का मॉडल क्या है, क्या निजी क्षेत्र की सहभागिता से हम इसको अच्छा कर सकते हैं, क्या हम लोगों को अनाज देने की जगह उनके खातों में पैसा भेज दें तो क्या चेंज हो जाएगा, किस तरह से इसमें बदलाव आ जाएंगे, क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जिस तरह से डिजिटलाइजेशन पर हम जोर दे रहे हैं, किस तरह से हम IT का प्रयोग करके इसको बढ़िया कर सकते हैं, ऐसे कई विषय हैं, मैं मतलब हर टॉपिक में कई हैं। तो इसलिए यहाँ पर अभी मैं उतनी बात नहीं कर पाऊंगा, छोटा छोटा परिचय आपको मैं दे रहा हूँ कि इस सिस्टम के अंदर क्या होता है। वितरण मतलब आवश्यक वस्तुओं का वितरण जिस व्यवस्था के तहत सरकार द्वारा किया जाता है उसको हम कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इस तरह के टॉपिक्स दोस्तों इसके अंदर आएंगे जो कृषि और संबद्ध विषय है। एक आधा ऊपर नीचे रहा हो तो मुझे नहीं मतलब ध्यान आ रहा है, बाकी ये टॉपिक्स मैंने लिख दिए मोटे रूप में, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो कोई चीज छूटेगी नहीं, राइट। इस तरह से हम चलेंगे। तो एक ये टॉपिक हो गया। उच्चतर विषयों के अंदर अगर हम आते हैं जो कुछ एडवांस प्रकार के टॉपिक्स हैं, उसमें हम सरकारी बजटिंग एक टॉपिक है, सरकारी बजटिंग, बजट नहीं है बजटिंग है, मतलब शब्दों पे गौर करें आप, जिससे हम कहते हैं ना मतलब जेंडर बजटिंग, आउटकम बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग, लाइन आइटम बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग, डरो नहीं आप इस तरह के नाम, ये तो मैं परिचय दे रहा हूँ आपको, आप अभी व्यथित ना हो कि ये तो हम नहीं जानते हैं, हमारे ऊपर से जा रहा, ऐसा विचार मन में ना लेके आए, मैं बता रहा हूँ आपको। बजटिंग, बजट में ING लग जाता है, बजटिंग में थोड़ा थ्योरिटिकल पक्ष ज़्यादा आ जाता है, उसमें हम ये ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बजट आपका किस फॉर्मेट में तैयार होता है, उसका प्रारूप क्या है। बजटिंग वो ING वर्ड आ रहा है इसमें, इसमें फॉर्मेट्स देखे जाते हैं, और मैं बताऊँगा आपको जब चैप्टर के अंदर प्रवेश करेंगे हम लोग, तो मैं आपको बताऊंगा कि बजट का फॉर्मेट काफी बड़ी सीमा पर, सीमा से सरकार के ऊपर जवाबदेही तय करता है। बजट किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, उस रूप के अनुसार आपकी जवाबदेही फिक्स होती है। किस रूप में, जैसे आप SSC की तैयारी करते हो, UPSC की तैयारी करते हो, और भी परीक्षाओं की, State PCS की तैयारी करते हो, तो इनके फॉर्मेट अलग अलग हैं, और जैसे अलग अलग फॉर्मेट में जाओगे आप, उसके हिसाब से आपको अलग अलग आवश्यकता पड़ेगी। इकोनॉमिक्स किस परीक्षा में नहीं है, आप अगर विचार करें इकोनॉमिक्स कौन से एग्जाम में नहीं आता, लगभग सब में पूछा जाता है, लेकिन हर जगह इसका डायमेंशन बदल जाता है। UPSC में उसका लेवल डिफरेंट है, तो आपको UPSC के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, मुझे नहीं लगता है कि State PCS के हिसाब से ये शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो हॉकिश का मतलब आपको पता होना चाहिए, डॉविश का मतलब पता होना चाहिए, अकोमोडेटिव का पता होना चाहिए, विस्तारक यानी कि एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का आपको पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शनरी का आपको पता होना चाहिए। एक लेवल होता है UPSC का,
तो ऐसे ही बजट की फॉर्मेट होती है, वो फॉर्मेट पर ज़्यादा फोकस हमें करना है। हालांकि यूपीएससी ने इस टॉपिक के तहत कुछ अलग तरह के प्रश्न भी किए, जैसे कि जीएसटी पे पूछा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर के बारे में सवाल यूपीएससी ने किया है। जीएसटी बजटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी यूपीएससी ने पूछा है। इसीलिए मेरा कहना यह है आपसे कि आप सिलेबस के साथ पुराने पेपर्स आपको देखने चाहिए, उससे आपको ये पता लगेगा कि एक ही टॉपिक में यूपीएससी कैसे मूव कर रही है। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि आपका सिलेबस ये है, थोड़ा समझेंगे दोस्तों, आप समझेंगे आप, और ये एक मेरी राय है आपको कि अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो ये कमेंट बॉक्स वगैरह से बाहर निकल निकल जाओ, आप अपनी इच्छा से त्याग कर दो इसका। क्लास चलेगी, कुछ तो मिलेगा ना, क्या मतलब? हो सकता है जो आप पूछना चाह रहे हो वो आगे ही आपको क्लियर हो जाए, आगे वो बात आ जाए अपने आप ही, तो क्यों उसके अंदर जाना है? आप सीधा एक ध्यान लगाओ कि मेरे को ये क्लास पे बस जो सर बोल रहे हैं, मैं आपको एक बार बोला था इस क्लास में कि मेरी जो ऑफलाइन क्लास दिल्ली में चलती है, और ये कहना नहीं चाहिए लेकिन लोग स्पेशली इस क्लास को करने के लिए आते हैं यहाँ पर, कि हाँ हमें सर से पढ़ना है, स्पेशली आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आते हैं केवल इसी चीज़ को करने के लिए, और मैं यहाँ रहता हूँ, क्लास वो लोग करते हैं फिर भी सवाल पूछने के लिए नहीं आते हैं। कई बार वीडियो क्लास भी चलती है, सिर्फ बोर्ड पे चलती है, तो टाइमिंग, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें ये टाइम सूट नहीं कर रहा, हमें क्लास चाहिए चाहिए कैसे भी करके, तो बोर्ड पे चलाते हैं। तो बोर्ड मैं नहीं हूँ, बोर्ड पे वो देख रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे, फिर उनको तो हमारा जिम्मेदारी बनती है कि भाई आपको कोई इश्यू हो तो मैं बाहर बैठा रहता हूँ अपने ऑफिस में, तो उनको हमारा स्टाफ कहता है कि आप मिल लो सर बैठे हुए, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं बहुत ईमानदारी से आपको कह रहा हूं कि एक बच्चा डिजिटल क्लास से कोई आया ही नहीं, क्योंकि जितने पक्षों की आपको जरूरत है उतना उससे ज्यादा अगर क्लास में हम लोग डील कर रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? देखो 100% कुछ नहीं होता, परफेक्शन कुछ नहीं होता, लेकिन आपका काम हो जाता है, इकोनॉमिक्स की वजह से आप नहीं रुकते हो, आपको फायदा मिलता है, तो बस बहुत है। ये थोड़ी कि अगर 9 या 10 सवाल जीएसटी में इकोनॉमिक्स के आए तो मतलब 9 और 10 ही आपके क्लास नोट्स इससे आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना संभव। हो भी जाता है, कई बार आ भी जाता है, लेकिन वो कहना गलत है कि इतने आ जाएंगे, लेकिन आप आराम से कर लोगे, डायरेक्ट भी आएंगे, और जो नहीं आएंगे डायरेक्ट तो इतना पढ़ लोगे कि आप उसको आराम से कर पाओगे, और न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, वो तो आवश्यकता ही है आज की। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपका सिलेबस जैसे ये है, जैसे यहाँ पर लिखा गवर्नमेंट, अच्छा मैं हिंदी लिखता हूँ, प्लीज माफ करिए, सरकारी बजटिंग, ये है ना आपका सिलेबस जो यूपीएससी ने दिया है टॉपिक के रूप में। देखिए मैं ये सरकारी बजटिंग लिखा ना, इसको बता रहा हूँ मैं कि पुराने पेपर को देख के समझा रहा हूँ। ये मान लो आपका जो सवाल सिर्फ इसको टच करते हैं उनको मैंने ऐसे समझ लो कि वृत्त के अंदर डाल दिया, लेकिन जो सवाल इससे बाहर आते हैं या आए हैं यूपीएससी के, वो कौन कौन से आए हैं मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे एक बार पूछ, एक 2 या 3 बार शायद जीएसटी पे आया है, ठीक है मैं अभी बात करूंगा आपसे। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है कर छूटों को लेकर, एक कॉन्सेप्ट होता है कर छूटों से राजस्व की हानि, इसका एक टेक्निकल नाम होता है, उसको हम कहते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर। टैक्स एक्सपेंडिचर इसकी हिंदी होगी कर खर्च। जैसे कई बार हम इनकम टैक्स में छूट देते हैं, हम कहते हैं सीनियर सिटीजन अगर कोई है तो उनको इतना छूट मिलेगा, महिला है तो इतना छूट मिलेगा, तो
उत्तर पूर्व में अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हो भारत में, तो उसमें आपको कॉरपोरेशन टैक्स जो मैंने आपको पीटी में पढ़ाया उसमें आपको छूट मिलेगी। तो ये छूटे देने से सरकार को राजस्व का लॉस होता है, उसको तकनीकी भाषा में कहते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर। एक बार यूपीएससी ने 13 के मेंस में इसके ऊपर सवाल किया था, टैक्स एक्सपेंडिचर, ठीक है, इस तरह का ये प्रश्न आया हुआ है। ऐसे ही सरकारी खर्च का प्रबंधन और उदारीकरण, ऐसे पूछा एक FRBM जो मैंने आपको पीटी में पढ़ाया था, आप अपने नोट्स देखेंगे तो FRBM एक GST मैंने पढ़ा ही रखा है। तो और जो बजट होता है, जैसे कि नया बजट जो भी होता है 1 फरवरी को पेश होता है बजट, इलेक्शन टाइम में अलग बात है, अंतरिम बजट आते हैं इलेक्शन टाइम के अंदर और फिर फाइनल बजट आते हैं, तो जब नई सरकार बन जाती है तो वो अपना बजट लाती है तो उस वजह से डेट चेंज हो जाता है। बाकी नॉर्मली 1 फरवरी को बजट पेश होता है, ये आपको पता है। तो इस साल का जो बजट था वो 1 फरवरी को पेश हुआ था। अगर उस बजट के अंदर कोई खास बात है, बजट के अंदर कोई बहुत अलग तरह की बात कही गई है, तो उस पर भी कभी कभी यूपीएससी मेंस में सवाल कर लेती है। तो करंट बजट के ऊपर जो चालू बजट है और मैं आधी लिख देता हूं, अगर मैं इस टॉपिक को देखूं सरकारी बजटिंग को, तो सरकारी बजटिंग में जो नाम लिखा हुआ, एक बार जेंडर बजटिंग पूछा था तो जेंडर बजटिंग इसके अंदर आएगा क्योंकि यहां भी बजटिंग शब्द यूज हो रहा है, लेकिन ये शब्द देख के आपको बजटिंग जैसा नहीं लग रहा है। GST बजटिंग नहीं है, कर छूटों से राजस्व की यानी टैक्स एक्सपेंडिचर बजटिंग नहीं है, मतलब बजट का फॉर्मेट नहीं है वो। सरकारी खर्च का मैनेजमेंट करना, उदारीकरण का इसके साथ क्या संबंध है, तो ये मैं पढ़ाऊंगा, उदारीकरण का टॉपिक आएगा हमारी क्लास में, तो अभी मैं लिखूंगा भी ये टॉपिक बोर्ड पर। तो कहने का मतलब ये जो टॉपिक है ये बजटिंग नहीं है, आपने भले ही नहीं पढ़ रखा है, आप इस ख्याल को बाहर कर दो और आप ये मत लिखा करो कि सर बहुत एडवांस है। अरे इसमें जो आपकी जरूरत है सिलेबस के अनुसार चलूंगा ना मैं क्लास में, इसमें एडवांस क्या करेगा, मैं आपको ऐसे पढ़ा के चला जाऊंगा कि पंचवर्षीय योजनाएं लिखो, इसका ये लक्ष्य था, इसका ये लक्ष्य था, सरकारी स्कीमें लिखवा दूंगा मैं आपको, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ा के चला जाऊंगा, तो आप यूपीएससी नहीं कर पाओगे। अरे कोई टीचर नहीं चाहता है कि वो बच्चों के लिए मुश्किल खड़ी करे, कोई टीचर नहीं चाहता है, कौन अपनी लोकप्रियता को खराब करेगा इस लेवल पे आके, क्यों चाहूंगा मैं कि मेरी लोकप्रियता पर आंच आए। सब बच्चे यूनानिमसली कहे कि हाँ भाई सर अच्छा पढ़ाते हैं, मैं तो ये चाहूंगा ना, लेकिन क्या हम राजनेता हैं, क्या हम पॉलिटिशियन हैं, क्या हमें वोट बैंक चाहिए। मेरे को लोकप्रियता का कोई लालच नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अपने सिद्धांत समझा देता हूं, मैं आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मैं मतलब कह रहा हूं आपको, हमें लोकप्रियता नहीं चाहिए, लोकप्रियता मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहा है, लेकिन मेरी इमेज सही चाहिए, ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। दो बातों में बहुत फर्क है कि आपकी इमेज सही हो, एक ये बात है, एक आप लोकप्रिय होना चाहते हो, मतलब मेरे कहने का मतलब मैं डिफेंसिव हूं कि मेरे मेरी इमेज खराब ना हो। लोकप्रियता मिल जाती है तो ठीक है, अपनी जगह पर है वो, लेकिन इमेज हमारी जो भी है जिस रूप में भी है उसको वो बनी रहे, क्योंकि वो फिर एक बार खराब होने पर सुधरती नहीं है दोस्तों। तो ये है कि इमेज को कोई ठेस ना पहुंचे, ये मेरे जीवन, लोकप्रिय नहीं बनना, मुझे वाणिज्य नहीं करना, कॉमर्शलाइजेशन नहीं करना है,
मेरे सिद्धांत हैं अपनी लाइफ के। तो जब हम न कॉमर्शलाइजेशन करना न लोकप्रियता करनी है, तो हम क्यों दबेंगे किसी से? क्यों मैं किसी को ये सोच के पढ़ाऊंगा क्लास में कि कोई खुश है और कोई ना खुश है? नो, दिस इज नॉट माय फिलॉसफी। आई एम ए स्ट्रिक्ट मास्टर, एंड आपको भी अपने साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाओगे। केवल बहाना बना देना कि हमारा तो ये तैयार नहीं है, बेसिक तैयार है, बेसिक से ही क्लास को उठाते हैं ना। कोई भी चैप्टर आप देख लो, हर जगह बेसिक पर ही बात हुई है। किन्स क्या था जो हमने पीटी में पढ़ा, कीनेजियन इकोनॉमिक्स हमने क्यों पढ़ा? बेसिक समझाने के लिए आपको, कि निवेश और ब्याज दर में क्या संबंध है, उपभोग और इनकम में क्या संबंध है, इसमें ऐसी क्या बात है? इनकम बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है ना लोगों का, बस वो कंजूस नहीं हो, साधु संन्यासी नहीं हो, तो इसमें क्या मतलब अलग तरह की चीज है? मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई, ब्याज दरें कम हो जाती है तो धन की मांग बढ़ जाती है, तो इसमें कौन सी अलग बात है भाई? धन की मांग का मतलब उसको अपने पास में रखना। अगर आपका अपना धन है तो आप चाहोगे नहीं, नहीं मेरे पास ही रहे, कैश के रूप में रहे या ऐसे फॉर्मेट में रहे कि मैं लेन देन कर सकूं जो आपका है, और नहीं तो बैंक या कहीं से आप पैसा लेने की कोशिश करते हो अगर बिजनेस में, इसमें कौन सी अलग बात है? ब्याज दरें बढ़ जाएगी तो हमारा पैसा होगा तो भी हम बैंक में रखेंगे, उसकी मांग नहीं करेंगे, अपने पास नहीं रखना चाहेंगे, इसमें क्या ऐसी बात है? समझना चाहोगे तो बहुत कुछ है, बार बार पढ़ो अगर कोई दिक्कत है तो। एक डिस्ट्रैक्शन से बचो, आप क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हो? क्यों नहीं आपको एक चीज मतलब समझ आती है? क्योंकि ये माइंड विकर्षित है, डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब कमेंट्स देखना है, कभी सो जाना है, कभी बोर हो जाना है, कभी कहाँ ध्यान चला गया, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है। पुराने जमाने में जंगल में भेजा जाता था, राजा महाराजा के बच्चे भी जंगल में जाकर पढ़ाई करते थे, और बहुत अच्छे जो मैनेजमेंट के स्कूल्स हैं आज भी देख लो आप, वो बहुत एक वीरान सी लोकेशन में रहते हैं, वहीं आपका हॉस्टल होता है, वहीं आपकी पढ़ाई होती है, वहीं कैंपस है, वहीं लाइब्रेरी है, वहीं टीचर है। क्यों ऐसा उसमें होता है? कारण क्या है कि आपका ध्यान उसी चीज में लगा रहे, इस तरह की चीजें। तो अब ऑनलाइन एक चीज है, क्या कर सकते हो? फोन तो आपके हाथ में देना ही पड़ेगा, और वो मिसयूज वाली स्थिति पैदा हो जाती है। खैर दोस्तों, वो तो आपका विषय, और मुझे विषयांतर होना भी बहुत अच्छा नहीं लगता, ज्यादा समझाने में विश्वास नहीं करता, समझ अंदर से आती है, ये बाहर से क्या। तो और ये FRBM एक्ट मैंने आपको बताया ही था, है ना, आपको याद होगा, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, चालू बजट जो भी है मैं बता दिया, ये सब चीजें बाहर से आ रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे पता लगे कि मैं सिलेबस को कैसे समझूं? इसलिए आपको 2013 से लेकर अभी तक के, अब 2023 का पेपर होने वाला है, पेपर डिस्कस भी करूंगा मैं, जो ये पेपर आएगा तो उसको डिस्कशन भी करेंगे। 2013 से लेकर 23 तक के जो पेपर्स हैं उनको देखोगे तो ही समझ आएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड या अन्य जो टॉपिक्स हैं उन पर UPSC क्या क्वेश्चंस कर रही है, राइट? मैंने थोड़ा सा अलग से समझाया इस बात को, हम वापस अपने मुद्दे पर लौट आते हैं। सरकारी बजटिंग एक टॉपिक लिखा मैंने, हम कौन से विषय देख रहे हैं, उच्चतर विषयों के अंदर हम चल रहे हैं अभी, थोड़े से एडवांस माइंड की यहाँ पे आवश्यकता होती है। सरकारी बजटिंग, फिर निवेश मॉडल, निवेश मॉडल ऐसे इस पर 2-3 बार सवाल आ चुके हैं। मॉडल हम पढ़ेंगे क्लास में, सवाल मॉडल के ऊपर नहीं पूछा गया है, ये मॉडल जो कहना चाहते हैं उन पर बेस्ड सवाल पूछे हैं UPSC ने। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये कहा जा सकता है कि एक देश की ग्रोथ रेट, मैंने आपको पढ़ाया था ना ग्रोथ रेट, GDP किस प्रतिशत से बढ़ रहा है पिछले साल की तुलना में, GDP किस परसेंट से चेंज हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ रेट बोलेंगे। तो ग्रोथ रेट
एक देश की ग्रोथ रेट, क्या ये कहा जा सकता है कि एक देश की ग्रोथ रेट निर्णायक रूप से बचत की दर पर निर्भर करती है? क्या ये कहा जा सकता है निर्णायक रूप से? अब कई सारे बच्चे तो ये शब्द भी नहीं जानते हैं, माध्यम उनका हिंदी है। डिसाइसिवली इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डिसाइसिवली, या उससे निर्णय होता है, निर्णयकारी, यानी कि एक देश की ग्रोथ का निर्णय बचत की दर से होता है। यानी कि बचत की दर ज्यादा हो तो ग्रोथ ज्यादा होगी, बचत की दर कम है तो ग्रोथ भी कम होगी, इस तरह की बात। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या ये बात सही है? इस तरह के जो प्रश्न यूपीएससी ने पूछे, एक बार आया था कि भारत में बचत की दर अच्छी होते हुए भी उसके अनुसार ग्रोथ रेट क्यों नहीं है? इसका मतलब इस सवाल से ये पता लगता है कि बचत की दर और ग्रोथ रेट के बीच में कोई संबंध है। अर्थात परीक्षक ये कहना चाह रहा है कि बचत की दरें अच्छी होने पर ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन भारत में ऐसी क्यों नहीं है स्थिति आ रही है। तो इसमें मैं एक मॉडल होता है हेरड डोमर मॉडल, आपने नाम सुना होगा, हेरड डोमर। भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय, उसमें हेरड डोमर मॉडल यूज हुआ था डेवलपमेंट के लिए। ये मॉडल होते हैं जिनके ऊपर चलते हो आप, जैसे आप चलते हो कि यूपीएससी की तैयारी का मॉडल क्या हो, क्या हार्डवर्क से यूपीएससी होगा या स्मार्ट वर्क से होगा या दोनों के संयोजन से होगा। स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है, जो भी एक मॉडल होता है किसी भी हमारे जीवन के क्षेत्र में, तो वैसे ही इकोनॉमी के अंदर हेरडोमर मॉडल हमने लागू किया। तो वो निवेश मॉडल में मैं ये मुख्य रूप से पढ़ाऊंगा आपको, इसमें आपको समझ में आएगा कि बचत की दर कैसे ग्रोथ को प्रभावित करती है। और बाकी मैंने नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट में भी आपको पढ़ाया था कि कैसे बचत की दर, आपको एक डायग्राम याद होगा, ये डायग्राम याद होगा आपको, सेविंग, फिर उसके बाद निवेश इन्वेस्टमेंट, फिर कैपिटल फॉर्मेशन, याद है कि नहीं है? ये सब पढ़ाए थे आपको, प्रोडक्टिविटी, फिर इनकम और फिर सेविंग। तो दोस्तों ये सेविंग नहीं होगी तो निवेश क्या करोगे, और निवेश नहीं होगा तो पूंजी निर्माण नहीं होगा, जो आपको पढ़ाया था मैंने जीएफसीएफ, सब चैप्टर जुड़ते हैं आपस में, ये समझ तो आपको होगा ही। तो बचत की दर क्या करती है, निवेश के लिए संसाधनों को बढ़ा देती है, पूंजी निर्माण ज्यादा होता है, उत्पादकता बढ़ती है, फिर इनकम बढ़ती है, फिर सेविंग होती है, इस तरह की बातें हैं। तो निवेश मॉडल भी थोड़ा उच्चतर विषय है। फिर आधारभूत संरचना, पुराने पेपर देखोगे आप यूपीएससी के, इस पे काफी बार सवाल किया है यूपीएससी ने, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप कहते हो, और इसको इंफ्रा भी कह सकते हो छोटे रूप में, जैसे कि, और आजकल तो हिंदी में आप ऐसा लिख भी सकते हो इंफ्रा। ये सब टेक्निक मेंस में सीखनी पड़ेगी आपको। ये लिखोगे वर्ड तो दो शब्द गए आपके, दो शब्द चले गए, और प्लस समय भी ज्यादा लग रहा है, लंबे शब्द है, और आपने ये लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक देश के आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, एक देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए इंफ्रा
अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब क्या है? जरूरी है। चाहो तो जरूरी भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि शब्दों का खेल है। एक देश के आर्थिक और सामाजिक विकास, सामाजिक विकास भी होता है इंफ्रा से, समाज का भी विकास होता है। लोग सड़क, बंदरगाहों, टेलीकॉम, सड़क बंदरगाहों, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, इनसे जुड़ते हैं तो मेट्रो सिटीज से उनका लिंक बनता है। लिंक बनने से वो शिक्षा के अच्छे केंद्रों में जा पाते हैं, रहन सहन के मॉडर्न चीज़ों को सीख पाते हैं, उनके विचारों में परिवर्तन आता है, तो क्या सोशल डेवलपमेंट नहीं होता? इकोनॉमिक्स में तो होता ही होता है, लेकिन सामाजिक विकास भी होता है। वो मैं उस समय पढ़ाऊंगा जब आपको बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ ही और कारण से लाइन लिखी कि एक देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए इंफ्रा अपरिहार्य है। ये शब्द जो आपने लिखा तो इसमें समय भी कम लगा, राइट, और शब्द भी आपको एक ही काउंट होगा, और वरना तो आपको इसकी जगह ये लिखोगे आप। अब ये लंबा हो गया, ये छोटा है, तो इसे टेक्निक लानी पड़ेगी ना। टेक्निक है, मेंस टेक्निक है भाई। अरे बात समझ, हम एडवांस टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना, अभी मैं सिलेबस बनवा रहा हूं आपका। उच्चतर विषय सरकारी बजटिंग, निवेश मॉडल, आधारभूत संरचना, एक है औद्योगिक नीति में परिवर्तन, और औद्योगिक विकास पर औद्योगिक विकास दर पर उसका प्रभाव। सरकारी बजटिंग एक हुआ, निवेश मॉडल, आधारभूत संरचना, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास दर पर उसका प्रभाव, और एक टॉपिक है आर्थिक उदारीकरण। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव। ये आपके एडवांस टॉपिक्स में आ गए, इस तरह के औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास दर पर उसका प्रभाव। तो हमारे देश में औद्योगिक नीति हम घोषित करते रहे। 1948 में पहली बार हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे देश की बनाई थी, और लेटेस्ट में हमने 1991 में औद्योगिक नीति बनाई, वो 6th नंबर की थी। 6 औद्योगिक नीतियां हमने घोषित की है अभी तक। और औद्योगिक नीति में परिवर्तन शब्द का मतलब यहाँ पर नई औद्योगिक नीति से है, हालांकि उन्होंने लिखा नहीं, आपको समझना होता है। पिछली वाली औद्योगिक नीतियों में जो अलग अलग थी, वो दिखने में अलग अलग थी, उनमें कोई मूलभूत अप्रोच को लेकर अलग बात नहीं थी, लेकिन 1991 की औद्योगिक नीति वो बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच पर आधारित थी। तो आपको सिलेबस अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि भाई ये लिख रहा है औद्योगिक नीति में परिवर्तन, तो इसमें पढ़ना क्या है मुझे? आप सिलेबस को देखोगे तो नई औद्योगिक नीति वर्ड नहीं लिखा हुआ है,
औद्योगिक नीति में परिवर्तन लिखा हुआ है। तो एज ए टीचर मैंने इसको महसूस किया कि वो कहना क्या चाहते हैं, और फिर उसके अनुसार मैं क्लास को तैयार कराता रहा हूँ। उस पर भी सीधे प्रश्न आए हैं, तो जो नई औद्योगिक नीति पढ़ेंगे हम इसमें, और हम ये एनालाइज करेंगे कि हमारे देश की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ग्रोथ रेट होता है वैसे तो, लेकिन ये हिंदी में विकास दर लिख देते हैं। ग्रोथ रेट को कई बार विकास दर लिख देते हैं। विकास की दर नहीं होती है दोस्तों, विकास मापनीय नहीं होता है, गुणात्मक होता है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आपको राष्ट्रीय आय के चैप्टर में, मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद इसको बताया था आपको कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, आपको ध्यान होगा। और मैंने बताया था कि ग्रोथ मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है। गुणों को आप एग्जैक्ट नहीं माप सकते हो, लेकिन वो लैंग्वेज है उनकी, आपको समझना पड़ेगा ग्रोथ रेट से इसका मतलब है। और ये नई औद्योगिक नीति 1991 में आई थी, और उदारीकरण भी भारत में मुख्य रूप से कब से शुरू हुआ, 1991 में शुरू हुआ। उसको हम आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण का मतलब क्या होता है, उसके क्या स्टेजेज हमारे देश में रहे हैं, व्यापारिक उदारीकरण क्या है, वित्तीय उदारीकरण क्या है, इस तरह की बातें मैं पढ़ाऊंगा आपको, और आपको धैर्य पूर्वक पढ़ना पड़ेगा अगर आप उस रेंज को पकड़ना चाहते हो जहाँ पे सिलेक्शन होता है। केवल खाना पूर्ति करनी है कि हमें तो सिर्फ बस पढ़ने के लिए पढ़ना है, तो फिर तो पढ़ाई उस तरह की करोगे तो उसके लिए तो मैं एक सुटेबल अध्यापक नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो वही पढ़ाता हूँ जो UPSC के हिसाब से है, लेवल वही रखता हूँ, समझाने के लिए नीचे चला जाता हूँ लेकिन फिर से वापस वहीं पहुँच जाता हूँ। और ये टॉपिक बहुत चुनौतीपूर्ण है ये वाला, क्योंकि हमारे देश में उदारीकरण अभी तक चल रहा है। FDI आपको बताया था मैंने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपको याद होगा। अब इसी में सवाल पूछ लेंगे, FDI किसका पार्ट है, उदारीकरण का पार्ट है। उदारीकरण में आप क्या करते हो, उदार करते हो। उदार का मतलब क्या है, ढीला करते हो। ढीला किसको करते हो, नियमों को। अब ढीला करने की आवश्यकता नियमों में क्यों पड़ी, क्योंकि ये कठोर होते हैं, कठोर नियम। अब इसमें लैंग्वेज बना लो, नियमों, नियंत्रणों, प्रतिबंधों, कुछ भी बना लो ना, औपचारिकताओं, इनको हम ढीला करते हैं। क्या करते हैं, ढीला, लिबरलाइज करते हैं, आसान बना देते हैं। क्या कर देते हैं, आसान बना देते हैं, या बहुत ही प्रॉब्लम है तो हटा भी देते हैं। उदारीकरण ये है, क्या है, इसमें कोई किताब पढ़नी होगी आपको। अभी इतना भी नहीं समझ आ रहा है तो भाई फिर तो टीचर्स काम नहीं कर सकते हैं, फिर तो ये 6 महीने का इकोनॉमिक्स बन जाएगा फिर आपका, फिर आप ही कहेंगे कि हमारा सिलेबस नहीं हो रहा है, इतनी बेसिक्स में जाने की जरूरत क्या है। ठीक है, अब FDI को मैं उदारीकरण में क्यों ले रहा हूं, इसका अर्थ भी तो पता है ना आपको, इसको हम क्या कहते हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इसकी भी परिभाषा फॉरेन सेक्टर में दे रखी है मैंने, ट्रेंड कर रखा है आपको पहले से ही, कि कोई विदेशी निवेशक एक मेजबान राष्ट्र की किसी एक कंपनी की इक्विटी में 10% या इससे ज्यादा का निवेश करता है तो हम उसको FDI कहते हैं। तो एक चीज बताओ कि ये हमारा देश है इंडिया, तो FDI तो बाहर से आएगा ना, तो कैसे आएगा, जब नियम होगा, नियम को आप ढीला करोगे, नीचे ले जाओगे तो FDI आ पाएगा। सीमाएं होती है हमारे देश में, कई जगह 26%, 49%, 51%, 74%। अब आप एक क्षेत्र में कह रहे हो कि FDI 26 ही आ सकता है, तो क्या ये प्रतिबंध नहीं है,
क्या ये नियम नहीं है, क्या ये कठोर नहीं है? वो कह रहा है कि 26 से तो मैं कंपनी नहीं चला पाऊंगा, मुझे 51 चाहिए। तो जब आप 26 से हटके, पहली बात तो FDI मंगवाना ही उदारीकरण है, लेकिन उदारीकरण कमजोर है यहां पे। फिर आपने उसको बढ़ाया 49, फिर 51, फिर 74, फिर 100% कर दिया। तो उदारीकरण की भी डिग्री होती है दोस्तों, डिग्री होती है। मुझे दर्द हो रहा है, किसी आदमी ने कहा मुझे दर्द हो रहा है। अब दर्द तो दांत का दर्द बहुत खराब होता है, तो क्या दर्द दर्द में फर्क नहीं होता है? हम कहते हैं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो अमेरिका भी कहता है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान भी कहता है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या डेमोक्रेसी के स्तरों में अंतर नहीं है? आप कहते हो मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, 10 लोगों से पूछा आपकी तैयारी कैसी है, कि अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो क्या वाकई में वो बराबर बराबर तैयारी किए हुए हैं? बातों को समझे आप। इस तरह से दोस्तों ये उदारीकरण के अंदर आएंगे FDI। पुराने पेपर देखोगे FDI पे सवाल पूछे हुए हैं, और चीन और भारत की FDI में क्या डिफरेंस है, रोजगार को लेकर उसके क्या निहितार्थ हैं। आपको पता है कि चीन के अंदर जो भारत से पैसा आता है FDI के फॉर्मेट में, वो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा जाता है, विनिर्माण में ज्यादा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, जिसमें हम कच्चे माल से पक्का माल बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। अभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मैंने बताया, ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो ये विनिर्माण करता है ना, मैन्युफैक्चरिंग करता है ना, किस चीज की करता है, खाने पीने की चीजों की। मैन्युफैक्चरिंग वायुयान की भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डिजिटल बोर्ड की भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग इस वॉच की भी होती है, मार्कर की भी होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग खाने पीने की चीजों की भी होती है, मैगी, पास्ता, दिस दैट, ब्रेड, बटर, ये सब किस में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसकी। बस वो कार है तो कार अलग तरह की चीज है, ये खाने पीने की चीज है तो मैन्युफैक्चरिंग ना। चीन के अंदर जो बाहर से पैसा आता है वो किस में जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में, और भारत में जो पैसा आता है वो आता है सेवा क्षेत्र में, सर्विसेज में। ये इंडिया की बात है, ये भारत के लिए है और ये चीन के लिए है। अब एक बार सवाल पूछा कि भारत और चीन के FDI में क्या अंतर है, भारत और चीन के FDI में और दूसरा भाग था रोजगार के संदर्भ में, इसके क्या निहितार्थ हैं? निहितार्थ, बिना इंग्लिश के भी आपका काम नहीं चलेगा, मैं बता दूं। इम्प्लीकेशन, निहितार्थ का मतलब होता है इम्प्लीकेशन। भारत और चीन के FDI में क्या अंतर है और रोजगार के संदर्भ में इसके क्या निहितार्थ हैं? अब यहां पर दो टॉपिक मिल रहे हैं, FDI उदारीकरण से जुड़ता है, FDI किससे जुड़ेगा, उदारीकरण से, और रोजगार का एक चैप्टर अलग है, वो मैं यहां पे बताऊंगा आपको, इस जगह पे। ऐसे ये टॉपिक्स आपस में मिक्स भी हो सकते हैं, ये टॉपिक आपस में जुड़ सकते हैं। अब ये कृषि विपणन प्रणाली MSP से जुड़ता है,
क्योंकि मार्केटिंग किसान जब अपने प्रोडक्ट की करते हैं और उनको सही प्राइस नहीं मिल पाती है तो इस पर बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं, या आप यूं भी कह सकते हो कि मार्केटिंग सिस्टम पर यह दबाव बनाता है कौन, एमएसपी। एमएसपी अगर सही है तो यहां भी कीमत सही आने की संभावना होती है। अच्छा, पशुपालन और कृषि आपस में जुड़ते हैं। पशुपालन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का नाम आपने सुना होगा। 2022 का मेंस पेपर देखिए, उससे पहले का भी मेंस पेपर देखिए कि छोटे छोटे किसान सीमांत और लघु कृषकों के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का क्या महत्व है। जुड़ जाते हैं टॉपिक आपस में। मैं इससे पहले कि ये ज़्यादा जटिल आपके लिए बन जाए, मेरे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी क्लास जो है ना उसमें कई तरह के बच्चे पढ़ते हैं जो हमारे हाथ को तंग करते हैं, जो रेंज देना चाहते हैं उस पर वो लोग एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये बोल के कि मतलब अब आप जब टीचर बनोगे तो आप समझोगे इस बात को, भारत और चीन के एफडीआई में क्या अंतर है, रोजगार के संदर्भ में इसके क्या निहितार्थ हैं, एप्लीकेशन में आपको जाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर यह बताना पड़ेगा इसमें कि भारत और चीन के एफडीआई में जो मेन डिफरेंस है वो इस बात को लेकर है कि हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र में ज़्यादा आता है और उनके यहाँ विनिर्माण क्षेत्र में ज़्यादा जाता है, ये मूल बात इसमें उठानी है। और दूसरे भाग में आपको बताना है कि सेवा क्षेत्र में रोजगार ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाता है, मैन्युफैक्चरिंग में अग्रगामी पश्चगामी कड़ियां बनती है। ये क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप ये बोर्ड को देखो तो इस बोर्ड में बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, वो पार्ट्स में भी फिर तो इससे बहुत अग्रगामी पश्चगामी कड़ियां इनके अंदर रहती है, जिससे ओवरऑल सभी को मिला के देखें तो रोजगार ज्यादा जनरेट होता है। इस बोर्ड के अंदर कई तरह के पार्ट्स लगे हुए हैं, केबल लगा हुआ है वो किसी कंपनी का है, पार्ट्स किसी कंपनी के है, इस कंपनी ने असेंबल किया है, इस तरह से आप समझे। सेवा क्षेत्र के अंदर कोई असेंबली होती है, बहुत कम जुड़ाव होता है। और मैंने आपको एफडीआई के डेटा भी दे रखे हैं, डेटा का मतलब मैंने कोई फिगर में नहीं लिखाया, लेकिन आपके फॉरेन सेक्टर में मैंने बताया, आप देख लीजिए उस क्लास को लास्ट में, एफडीआई सेवा क्षेत्र में ज्यादा इस तरह से बता रखा है आपको। तो ये वाले टॉपिक के अंदर इससे कई टॉपिक बन जाएंगे, जैसे भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण अगला सवाल हो सकता है, अभी जो 23 का मेंस आने वाला है, भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण वो तक मैंने आपकी पीटी में भी करवाया था कि अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, एक राष्ट्र की करेंसी की इंटरनेशनलाइजेशन का अभिप्राय क्या है। हमारे भारतीय रुपए को अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका क्या फायदा मिलेगा, यही तो यूपीएससी पूछता ही है, लाभ बताइए या उसकी आवश्यकता का परीक्षण करिए। आवश्यकता का परीक्षण करना है कि आवश्यकता क्यों है, तो आवश्यकता बताने की लाभ ही तो बताओगे आप, बहुत विस्तृत टॉपिक है ये। फिर आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, एक चीज पढ़ाई थी आपको, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज करके आपने एक चीज पढ़ी थी क्लास में, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज बताया था क्या था, दो बाजारों में अगर कीमत का अंतर है, एक में कम कीमत है दूसरे में ज्यादा है, तो कम कीमत वाले से मार्केट जो व्यापारी वगैरह होते हैं कम कीमत वाले बाजार से सामान उठाएंगे, अधिक कीमत वाले में बेच देंगे। क्या इसमें आप पांचवी क्लास में पढ़ रहे हो, छठी क्लास में पढ़ रहे हो, इससे फर्क क्या पड़ता है इस क्लास पे या इस कॉन्सेप्ट पे, ये बात तो कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी भी जानता है कि दो बाजार मान लो नजदीक हों और एक में कीमत कम और एक में ज्यादा हो, कोई भाड़ा नहीं लगता हो, कोई कॉस्ट नहीं आती हो, तो कम कीमत वाले बाजार से लेगा, अधिक वाले कीमत पे बेचेगा। ये बात तो कॉमन सेंस से समझ आती है, केवल वर्ड ही तो चाहिए। उस शब्द को हम कहते हैं आर्बिट्रेज, नहीं जानते थे अब जान गए। अब इसके आगे विशेषण लगा हुआ, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरों वाला आर्बिट्रेज।
और दो कंट्रीज मैंने आपको बताया कि एक तरफ यूएसए है, एक तरफ इंडिया है। अगर भारत की ब्याज दर ज्यादा हुई जैसे कि आमतौर पे रहती है, अब एक अलग बात है, अभी का जो दौर चल रहा है होने में तो अभी भी ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ रिस्क भी ज्यादा है। तो रिस्क को ध्यान में रखकर अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो भारत की ब्याज दर सही नहीं है, मतलब इसीलिए पैसा इधर से इधर जा रहा है। बाकी क्या है कि यूएसए और इंडिया में, अगर इंडिया की ब्याज दर ज़्यादा है तो यहाँ से पैसा इधर आएगा, डॉलर आएगा। इसको समझने में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की आवश्यकता नहीं है, नहीं ये उतने मुश्किल है। अब यूपीएससी ने क्या पूछा, एक सवाल पूछा कि अमेरिका जैसे राष्ट्रों की, राष्ट्र क्या करते हैं, मौद्रिक नीतियों के माध्यम से करेंसी की मैनिपुलेशन करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। ये विनिमय दर जो मैंने आपको पढ़ाया, अगर डॉलर भारत में ज्यादा आएगा तो डॉलर की रेट गिरेगी, मैंने समझाया भी था आपको। डॉलर की रेट गिरने का मतलब ये हुआ कि जहां 83.20 का एक डॉलर है तो ये 83 का हो जाएगा, फिर ये इतना समझा रखा आप लोगों को 82.5, फिर 82, ऐसे जितना जितना पैसा आता जाएगा रेट गिरता जाएगा। क्या इसमें पढ़ना है ये मेरे को नहीं समझ आता है। इकोनॉमिक्स विषय उन लोगों के लिए जिनका दिमाग सबसे ज्यादा कमजोर है, वो इसको बहुत बढ़िया कर सकते हैं। कॉमन सेंस लगा लो, हो जाएगा बढ़िया। जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं उनको प्रॉब्लम रहती है। 83.20, 83, 82, 82, 82.5, 82, 81 रेट गिर रहा है ना, तो इसी को हम भारतीय रुपए का मजबूत होना भी तो बोल सकते हैं। तो ये इंडियन रुपी है तो ये स्ट्रांग हो रहा है। स्ट्रांग होने से क्या होगा, हमारे आयात निर्यात पे फर्क पड़ेगा, यानी कि हमारे आयात ज्यादा हो जाएंगे और निर्यात कम हो जाएंगे। जब आयात ज्यादा हो, निर्यात ज्यादा हो, तो व्यापार घाटा आ जाएगा ज्यादा। तो इससे हमारे देश पे बुरा असर पड़ रहा है ना, करेंसी मैन्युपुलेट कर रहा है अमेरिका जानबूझ के। ये करके ब्याज दरों को कम करके उसने क्या किया, ब्याज दरों को नीचे करके क्या किया, डॉलर का फ्लो बढ़ा दिया हमारे यहाँ। डॉलर का फ्लो बढ़ने से रुपया मजबूत हो गया, रुपया मजबूत होने से व्यापार में मात खा गए। हमारे आयात बढ़ने का मतलब अमेरिका के निर्यात बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ। अगर टू कंट्री केस मान के चलो कि एक तरफ अमेरिका और एक तरफ भारत है, ऐसा मान के चलो तो है ना। तो शायद आपको समझ आ रहा होगा, मेरी बात आप तक पहुंच पा रही होगी। दोस्तों एक ईमानदार कोशिश करो दोस्तों, जीवन एक ही मिला हुआ होता है, अब उसमें भी क्या बेईमानी करना है, उसमें तो अपने लिए तो कम से कम ईमानदारी बरतो आप। तो ये टॉपिक उदारीकरण में ही पूछा गया। एफडीआई पे एक सवाल था कि रक्षा क्षेत्र में, अभी आपको पता होना चाहिए कि हमारे रक्षा क्षेत्र में भी एफडीआई अलाउड है भारत में। रक्षा का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं, आर्मी वगैरह नहीं, रक्षा में जो सामान बनते हैं उनमें, मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई अलाउड है। तो एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि इसके क्या फायदे होंगे भारत को रक्षा क्षेत्र में, एफडीआई का क्या फायदा भारत को मिल सकता है, इस तरह के प्रश्न यूपीएससी ने पूछे। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है एक तरह से। अब इसको मोटे रूप में ही हम लोग कवर कर सकते हैं, तो देखेंगे बहुत अच्छे से इसको हम करेंगे, ठीक है। तो हम मुद्दे पे लौट आते हैं, हमारा जो चल रहा था ये उच्चतर विषय बन गए एक तरह से। एक आधा विषय ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं कोई स्लाइड्स का कम इस्तेमाल करता हूँ, मतलब जो चीज़ें हैं मैं उनको लिखना पसंद करता हूँ, जिससे मेरा भी एंगेजमेंट रहता है
और स्टूडेंट्स का भी रहता है, मुझे भी सब चीजें ध्यान में रहती है। अब ऐसा ऐसे विषय हम इसमें लेंगे जो समाज और इकोनॉमिक्स से जुड़ जाते हैं। तो गरीबी, अभी आपको निवेदन किया ही था मैंने कि गरीबी एक ऐसा विषय है जो समाज से भी जुड़ता है और इकोनॉमिक्स से भी जुड़ता है। इसको थोड़ा बीच में कर देता हूँ, काट आप मत काटना इसे, इसको इधर कर देता हूँ थोड़ा। बेरोजगारी, गरीबी, बेरोजगारी, समावेशी विकास, ये कई कई आपके सोशल इश्यूज में भी फायदा देंगे आपको। मेरे एक स्टूडेंट, कई स्टूडेंट रहे हैं वैसे तो, एक सुरेश कुमार IRTS हैं, वो अभी वैसे पढ़ने के लिए आए थे और IITN थे, और उनको 160 नंबर आ गए निबंध में। लिखने का बहुत कुछ वैसा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत अलग तरीके से लिखा। और उनका ये कहना था कि सर, जो मैंने आपके अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ा, उनकी इंटरलिंकेज समझी जो आप क्लास में करते हो, और कई अच्छी रिपोर्ट्स का हवाला भी मैं देता हूँ क्लास के अंदर मेंस में, तो उनका प्रयोग किया तो उनको बहुत अच्छे नंबर आए, 160 नंबर ले आए हो। तो आपको जब इसकी कंटेंट आएगी सामने, तो बहुत कुछ आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी कि आपके निबंध में भी बेनिफिट हो जाएगा। हालांकि हम वो सोच के नहीं चल रहे हैं क्लास में, हम तो GS 3 में इकोनॉमिक्स को अच्छा करना है, हमारे मन में ये भाव है। समावेशी विकास एक हो गया, गरीबी, बेरोजगारी, समावेशी विकास, और एक खाद्य सुरक्षा भी मैं अलग से ले लूँगा। वैसे तो मैंने PDS लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे खाद्य सुरक्षा लेने का मतलब ये है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो बनता है वो, उसमें कौन से पैरामीटर यूज होते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA का नाम सुना होगा, वो पढ़ेंगे, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, कुछ डेटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें नंबर का, उसके डेटा हम पढ़ेंगे कि भाई उसके हिसाब से किन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। तो खाद्य सुरक्षा को मैं अलग से भी लूँगा, इसी के अंदर लूँगा, सामाजिक आर्थिक विषयों के अंदर। और ऐसे एक भारतीय आयोजन के लिए आयोजन या नियोजन भी कहते हैं, प्लानिंग, भारतीय आयोजन / नियोजन के लिए संसाधन जुटाव, जुटाव का मतलब होता है एकत्रित करना, मोबिलाइजेशन वर्ड है इंग्लिश में, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर इंडियन प्लानिंग। तो भारतीय आयोजन या नियोजन के लिए संसाधन जुटाव, आयोजन, नियोजन, ये सब का मतलब क्या है, ये टॉपिक के टाइम पर देखेंगे, हम अभी टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं इस समय। ये इस तरह के टॉपिक्स मैंने डाले हैं इसके अंदर, और गरीबी वगैरह ये जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत आसान नहीं है, इनके अंदर भी बहुत कुछ बातें हैं। ट्रिकल डाउन क्या है, गरीबी के अंदर हम देखेंगे क्या रणनीति अपना सकते हैं। ये जो नीति आयोग ने एक सूचकांक बनाया, नाम सुना होगा आपने उस सूचकांक का, NMPI करके एक सूचकांक बनाया उन्होंने, NMPI, जिसका मतलब होता है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी। वो तो मैं पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सब चीजें आपको अपडेट करनी पड़ेगी। अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अभी उतना परेशान ना हो, पांचवें नंबर का 2019 से 21 के बीच का सर्वे है, उसका इस्तेमाल करके ये बना अभी वाला। एक उन्होंने बनाया था NFHS 4 के आधार पे, अब आ गया इसके आधार पे। तो हम इसको लेके देखेंगे भारत में गरीबी की स्थिति क्या है, ये चीजें देखनी पड़ेगी। गरीबी को हम कैसे मापते हैं, इस ये जो सिस्टम है ये वाला, इसमें लोगों की इनकम नहीं देखी जाती है, अलग अलग सुविधाएं देखी जाती है। तो वो अप्रोच को हम देखेंगे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का क्या अप्रोच है पॉवर्टी को लेकर, उसको पढ़ेंगे, इस तरह की बातें। और बेरोजगारी, जैसे जैसे एक बच्चे ने लिखा गिग इकोनॉमी क्या है, और इस तरह से तो गिग इकोनॉमी को मैं इसमें पढ़ाऊंगा आपको। बेरोजगारी के अंदर क्या भारत में जॉबलेस ग्रोथ है, जॉबलेस का मतलब रोजगार नहीं बढ़ रहे उतने, ऐसा कुछ है क्या, है तो उसका आधार क्या है, भारत में रोजगार के अवसर हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और ये श्रम बल भागीदारी की दर महिलाओं की क्यों कम हो रही है हमारे देश में, श्रम बाजार का अनौपचारिकरण क्या है, भूमंडलीकरण उसे कैसे बढ़ावा दे रहा है। यूपीएससी 2016 के मेंस में सवाल आया था इस तरह का, श्रम बाजार का अनौपचारिकरण और भूमंडलीकरण उसे कैसे बढ़ा रहा है, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। समावेशी विकास भी बहुत अच्छा रिसर्च इसमें हम इस्तेमाल करेंगे क्लास के अंदर, कि क्या भारत में समावेशी विकास है या नहीं है, समावेशी विकास का अर्थ क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स SDGs में किस रैंक जगह पर इसको रखा गया है, और बहुत सारी बातें, IMF का रिसर्च और बहुत सारे डेटा, रणनीति, भारत में समावेशी विकास कैसे आ सकता है, ये सारी चीजें। तो इस तरह से दोस्तों क्या है कि ये टॉपिक्स मैंने आपके सामने रखे हैं, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर या ऑलमोस्ट ऑल मैंने इसमें डाल दिए हैं और उनका वर्गीकरण कर दिया। तो अब आप इसको देख लो कि कृषि और संबद्ध विषय, थोड़े हाई फाई प्रकार के टॉपिक, और सामाजिक आर्थिक विषय, ऐसा मैंने इनको डिवाइड कर दिया है। तो जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो मैं यहाँ से टॉपिक शुरू करूँगा ये, ताकि आपका जो PT वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे ही खत्म होगा इस पे जाऊँगा, फिर उसके बाद में बताऊँगा कि अगला टॉपिक मैं क्या लूँगा, मतलब इस तरह से। थोड़ा सा अपने आप को अपडेटेड रखिए, बहुत हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, बहुत अलग तरह की बात है मेंस। राइटिंग स्किल आप सीखेंगे, मैं कैसे लिखवाता हूँ, इससे भी आपको राइटिंग स्किल डेवलपमेंट होगा, अपने आप ही आपको समझ आएगा कि हाँ आंसर ऐसे लिखते हैं। और जो मैं नोट्स आपके बनाऊंगा बनवाऊंगा तो उनकी लैंग्वेज इस तरह की आएगी, कई सारी जगह पर जैसे UPSC ने जो प्रश्न पूछा उसी को उसमें डाल के लैंग्वेज मैं बना दूंगा, कि लैंग्वेज ही ऐसे बन जाएगी कि वो नोट्स भी बन रहे हैं और सवाल भी सोल्व हो रहा है। इस तरह से हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो आज मैं यहीं तक सीमित रखूँगा अपने आप को, और आप मेहनत करते रहिए। अगली क्लास में मुलाकात करता हूँ आपसे, और ये हिंदी मीडियम बैच है, इस विचार के साथ मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे, इफ़ देर इज़ एनी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट अटेंडिंग दिस क्लास, ही मे प्लीज ज्वाइन अ सेपरेट प्योर इंग्लिश मीडियम बैच इन विच आई विल बी गिविंग लेसन्स इन इंग्लिश मीडियम, राइट? सो प्लीज डू दैट, वेट फॉर सम टाइम, एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली हिंदी मीडियम बैच। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास, सभी मेरे हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए। कल से हम टॉपिक वाइज क्लास को शुरू करेंगे गरीबी वगैरह से। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।